हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की ये वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपको ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना है। और किस तरीके से आपको करना है, इसमें क्या क्या चेंजेस मिले हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से जो है। सबसे पहले तो हम बता दें सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये आया कि 2021 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर काफ़ी आपका बदला हुआ नज़र आने वाला है। मतलब आप देख सकते हो कि बहुत अलग तरीके से जो है आपका क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर आपको बता दें 1 मार्क्स के लिए टोटल 32 जो है 32 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वो होंगे जो कि 1 मार्क्स का होगा। मतलब 1 मार्क्स के पूरे टोटल 32 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन तो 1 मार्क नॉर्मली है विदाउट एनी ऑप्शन। जबकि सेक्शन 2 में इन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं और ये भी टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपने देख लिया। पार्ट बी में जो आपके हैं 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा जो है आपका 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो इस सेक्शन बी से टोटल आपका यहाँ हो गया 48 मार्क्स। सेक्शन जो आपका पार्ट बी है वो 48 और पार्ट ए से 32, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका बनेगा। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न भी इन्होंने दिखाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। आपको जो है दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका एच सी एफ दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 180 को 3 से आप डिवाइड करोगे, आपका एलसीएम 60 निकल जाएगा। उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो ये अटैम्प्ट करो, ये अटैम्प्ट करो कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने आपको जब वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको बताया था, जब हमने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, कि 2 और 5 में से देख लो कि जिस पे बड़ी पावर है उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द, बाकी आप मैं आपको सोल्यूशन पूरा दिखाऊंगी जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियल जारी किया और पूरा आपका उसी से मैच भी होगा। सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उन्होंने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसका सम ऑफ जीरोज जो है 3 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है। सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है, आपका अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए, तो यहाँ पर हो जाएगा के अपॉन में 3। और वैसे इन्होंने सम ऑफ जीरोज आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y इज इक्वल टू 3 एंड 6x + ky इज इक्वल टू 8 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। एक मतलब इन्होंने कहा कि सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई भी सोल्यूशन तब नहीं होता जब लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। पैरेलल होती है मतलब a1 अपॉन में a2 जो है वो आपका b1 अपॉन में b2 के बराबर होता है, बट c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं होता है। इसको सॉल्व करोगे आपका जो है k की वैल्यू यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500 एंड 6 चेयर 1 टेबल कॉस्ट दिस 100। आपको लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप क्या आपका मान लो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को x मान लो, टेबल को y मान लो, x + y आपका 3x + y हो जाएगा 1500, 6x + y हो जाएगा 2400। और उसके बाद क्या करना है, आपको इसे ग्राफ पे दिखा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा टर्म 0 होगा, आपने एपी का चैप्टर पढ़ा है तो इसका वो वाला क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको सोल्यूशन आप कंप्लीटली दिखा दूंगी, पहले यहाँ पर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ ताकि आपके मन में ऐसा ना रहे कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। स्टैंडर्ड लेवल है बट स्टिल आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डाउन है। और वैसे मैंने आपको पहले बताया था आपका 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है वो कुछ खास आपका ज़्यादा हार्ड आने वाला है नहीं, इसलिए टेंशन बिना लिए आप एक बार सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो और उसके बाद जो है आप फर्दर जो है आपको टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द व्हाट वैल्यूज ऑफ के हैज इक्वल रूट, इसी इक्वल रूट्स के लिए भी मैंने आपको जो एक कंडीशन बता रखा है, 2² - 4ac इक्वल टू 0 होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज सबको क्या आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स निकालने हैं, या तो ये अटैम्प्ट कर लो, ये अटैम्प्ट कर लो, ये भी क्वेश्चन ईजी है। PQ अगर आपका 28 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर निकालना है, इसकी आपका एक थ्योरम आता है उससे आपका ईजिली इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 2 टेंजेंट आर इंक्लाइन एट 60 डिग्री डाउन टू द सर्कल देन द फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला जो है उसे निकाल लो, या फिर जो 10 थीटा मतलब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ट्राइंगल ABC में, जिसमें आपको जो चीज़ें वैल्यूज दी हुई हैं और उसके बाद जो है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिगर में आपको दे रखा है कि कौन से रेशो में
जो है यहाँ पर सी डिवाइड कर रहा है, तो ये आपको बताना है। तो सी के पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखोगे, और इन्होंने क्या कहा ए बी को, तो ए बी के रिस्पेक्ट में कहा है, तो टोटल 8 है, यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ पर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपका सीधा सीधा आंसर जो हमारा निकल जाएगा कितना, 8:5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन देखने को मिले जो आपके 1 मार्क्स वाले, आप तो इजीली अच्छी तरीके से इसे स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी जो है लेवल इसमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, 2 sin² θ आपका कॉमन आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे इसे फर्दर सॉल्व कर दोगे। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, और उसके बाद ये जो आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, सेक्शन जो 16 क्वेश्चन तक में ये आपका जो है ये दिया हुआ है कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नॉर्मली एक आध आता ही है। अब सेक्शन 2 को देखिए, जो एकदम सा नया सा आपको दिखेगा, लास्ट ईयर क्या था साइंस में केस स्टडी के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार मैथ्स में आएगा। बट इससे भी डरना नहीं, आपको बहुत ही सिंपल है, पहले केस स्टडी को आप थोड़ा सा रीड कर लो। उन्होंने कहा डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, हमारा सनरूम का पूरा प्लान दिखाया हुआ है जो कि हम बनाएंगे एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ काम बकवास बातें होती हैं मेनली। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो फिर इसको पढ़ो, ताकि आपका टाइम कम से कम बर्बाद हो। और देखिए खास बात ये केस स्टडी में, जैसे आपका केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें क्या होगा 17 के अंदर सब सेक्शन 5 होंगे ए बी सी डी ई करके, ए बी सी डी ई में से 5 में से आपको जो चार आता है वो कर लो। एक तो यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि उसमें से एक आध क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता आप उसे स्किप करो, जिसमें डाउट है स्किप कर दो, बाकी कर लो, तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब इस साल जो है ना आप इजिली टॉप कर सकते हो, पेपर जो आपका काफ़ी नॉर्मल तरीके से आएगा। अब देखिए इसका फर्स्ट जो हम ए सेक्शन देखते हैं, तो फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग, का जे पॉइंट है, आई पॉइंट है, जे का 617 है, आई जो है 916 है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, x1 + y1 आपका क्या हो जाए, नहीं सॉरी सॉरी x1 + आपका x2 अपॉन में 2 कर दोगे, y1 + y2 अपॉन में 2, तो आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो क्या दिया हुआ है जे पॉइंट और आई पॉइंट, चाहो तो आप इस ग्राफ से भी सारे पॉइंट्स को निकाल सकते हो। जैसे इन्होंने कहा एक स्केल को हम 1 cm, मतलब इतना सा जो एरिया है ना आपका, ये आपका कितना है 1 meter है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे यहाँ से अगर आप काउंट करोगे ना, तो इधर से ये 6 और इधर से ये, मतलब इधर से आपका ये 6 और इधर से ये 17 करके ये जे पॉइंट है, और इस तरीके से आई पॉइंट है 9 और 16, और उस तरीके से अगर और कुछ पॉइंट्स का पूछेगा तो आपको यहीं से देखते हुए चलना है, और वो जो है आपका आंसर वहीं से आप उसको निकाल कर चलोगे। अब देखिए इसमें मिड पॉइंट का है, तो मिड पॉइंट हमें पता है दिस प्लस दिस, 6 + 9 आप ऐड कर दो, 6 और 9 = 15 अपॉन में 2, 17 + 16 कर दो 33 अपॉन में 2, ठीक है। ये आप ऑप्शन में देख लो, जो भी आपका ऑप्शन सुटेबल है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप रेफर टू द टॉप व्यू, टॉप व्यू को देखो और डिस्टेंस निकालो ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को बोला तो एक्स आपको 0 लेना है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। पी पॉइंट को आप क्या कर लो, यहीं से देख के उसका पॉइंट्स निकाल लो, और उसके बाद आंसर आपका हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो है वही टोटल जो है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में से पूरा का पूरा ये 5 के क्वेश्चन है, इसमें से एक आध आपको जो समझ में नहीं आएगा वो आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट केस स्टडी सिमिलैरिटी को लेकर, सिमिलैरिटी के बारे में पहले इन्होंने बताया और उसके बाद उसको लेकर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये तो, और 8th क्लास का क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है। और थोड़े से जो है ना आप थ्योरिकल पार्ट भी इस पर पढ़ना मत भूलना, क्योंकि थ्योरिकल ये जो ऑप्शनल में दिख रहे हैं ये कुछ थ्योरिकल भी दिख रहे हैं कि आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, तो इसलिए ना आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इन्होंने कहा कि अगर हम सिमिलैरिटी को करेंगे तो वो उसका क्या इफेक्ट आएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, तो वो क्या होंगे, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे का जो है मिरर इमेज नहीं होते हैं, या क्या होगा क्या नहीं, तो इस चीज़ को जो है लेकर क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। हालांकि यहाँ पर आपका जो है 4th पार्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सिमिलैरिटी को लेकर, तो उस तरीके से बाकी मैं आपको यहाँ पर आंसर जो है चलेंगे, और आपको मैं PDF भी दे दूंगी, ताकि जो है आप पहले तो यहाँ पर समझ लो कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, और उसके बाद आप PDF से क्या करना, सभी क्वेश्चन को और उसके बाद पर्टिकुलर उसके आंसर्स को लिखना, प्रैक्टिस करना खुद ही। और उसके बाद ये देखिए हाइपरबोला को लेकर इक्वेशन वाला जो है केस स्टडी है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन निकालना है। केस स्टडी 4 आपका ये ग्राफ वाले चैप्टर में से हो गया, मीन मोड मीडियन आपसे निकलवा लेंगे, हाँ वही निकलवा रहे हैं आपसे, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ऑल ये सब बनवा लिया। पार्ट बी में अगर आप आ जाओगे तो फिर आपका नॉर्मल वही बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कि 3 bell ring है, वो इतने इतने मिनट पे बज रहा है, तो आप बताओ कि जब वो 1:07 बजेंगे, मतलब कि कितनी देर बाद वो 1:07 वो बजेंगे, ये आपको पूछा हुआ है। आप क्या करोगे, तीनों का एलसीएम निकाल दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और इन्होंने पूछा है फाइंड द पॉइंट एक्स ऑन विच द इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला आप दोनों के लगाओगे, आपका जो है 7th चैप्टर का ही है,
कि आपका वहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। वैसे में अगर आप पिछले साल की मेरी वीडियो देखोगे ना, वहाँ से भी पता चलेगा, मैं ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला हुआ है। और इस साल मैं अपडेट करके, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो अपडेट करके मैं बहुत ही जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी डाल दूंगी। तो वहाँ से जो है आप उन सारे क्वेश्चन को भी ज़रूर करना, फिलहाल आप इसको कर लो, बाकी सिलेबस को देखते हुए और जो हमारा ये सैंपल पेपर आया है इसको देखते हुए हम नया जो है नई जो सीरीज़ है वो आपके लिए डाल देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अब यहाँ से देख लीजिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आपका फिक्स ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 आप देख लो कि इरेशनल प्रूफ करने वाला, और उसके बाद ये क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कुछ भी ऐसा खास इन्होंने दिया हुआ नहीं है इसमें जो एक्सप्लेन किया जाए। आपका सारा का सारा जो है बुक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद ये 34 से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो इन्होंने उस वाले चैप्टर में से डाला हुआ है, आपका जो 9 चैप्टर है। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप देखोगे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला हुआ, ये भी मोटर बोट एंड ऑल, एक एक क्वेश्चन जो है ना मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, अगर आपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा देखा हुआ होगा तो। बाकी जो है आपका क्वेश्चन इस तरीके का ना, आप दिखा देते हैं आपको सोल्यूशन। अब ये आप देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे ही दिया था, ये आपका क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड ऑल, ये जो 1 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में इन्होंने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। ये मार्किंग स्कीम तो होता ही है, बट साथ ही साथ आपका ये सोल्यूशंस भी होते हैं ताकि जो है आप सारी चीज़ों को समझ सको। पार्ट बी, जैसे यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस भी किया था कि 3 बेल रिंग जो है कब बजेंगे, तो तीनों का क्या निकाला, एलसीएम निकल गया 28 पर, पहले वो 6 बजे बजा था, तो अब क्या होगा 6:28 पर वो दोबारा से तीनों रिंग एक साथ बजेंगे। तो उस तरीके से जो है आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने हैं, यहाँ से आपको सॉल्यूशन देखना है। और जो क्वेश्चन पहली बात तो जो आपको खुद से आता है तो खुद से कीजिए, जो नहीं आता है उसके लिए आप हेल्प लीजिए। ये इरेशनल नंबर वाला देख लीजिए, इन्होंने कितने ईजी वे में प्रूव किया हुआ है, और साथ ही में आपको ये बताया हुआ है कि आप कितना लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए जो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन सारा का सारा किया गया है। बाकी जो है तो आपका क्वेश्चन पेपर साथ के साथ सॉल्यूशन की जो लिंक है वो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगी अगर आप चाहते हो तो, और नहीं तो आप खुद ही सॉल्व कर लो। बाकी तो और सब्जेक्ट जो भी बेसिक के स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो उनकी भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो पाइप वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से ही होता है, काफ़ी नॉर्मल तरीके से भी मैंने आपको कराया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत इजी वे में इन्होंने आपको समझाया हुआ है। और ये वोट स्ट्रीम वाला तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में जो भी मिलेंगे वो सारा का सारा आपको सॉल्व कर लेना है।